हेलो फ्रेंड्स, कलरफुल थ्रेड्स में आपका स्वागत है। जो भी बेकार पड़े हुए कपड़े हैं उनसे हम बहुत ही सुंदर बैग बनाएंगे। तो सबसे पहले कपड़ों में से लंबी लंबी हमें स्ट्रिप निकालनी है। मैंने लगभग 16 इंच लंबी स्ट्रिप ली है और स्ट्रिप की चौड़ाई 1.5 इंच है। एक कलर की मैंने 12 स्ट्रिप ली है और सब मिलाकर 6 कलर लिए हैं। इन सभी स्ट्रिप्स को हम दोनों साइड से फोल्ड करके सिलाई करेंगे। आप जितने भी चाहे कलर यूज कर सकते हैं। अलग अलग जितने भी कपड़े हैं सभी को आप मिलाकर कलरफुल हम एक चोटी सी बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें इस तरह से फोल्ड कर करके सभी को सिल लेना है। तो जितने भी बेकार पड़े हुए कपड़े हैं सभी का यूज हो जाएगा। किसी भी तो देखिए, इस तरह से मैंने सभी की सिलाई कर ली है। अब 3-3 स्ट्रिप हमें लेना है और उसको किस तरह से बनाना है। 3 स्ट्रिप को लेकर एक साथ पहले सिलाई कर लेंगे ऊपर से, उसके बाद इसके में चोटी बनानी है। हर किनारे वाली स्ट्रिप को बीच में लाना है इस तरह से, जैसे हम चोटी बनाते हैं उसी तरीके से इसको पूरा बना लेना है। अब नीचे वाले किनारे की भी हम सिलाई कर लेंगे, उसके ऊपर मशीन चला लेंगे। इसी तरह से 3-3 को मिलाकर हमें सभी की चोटियां बना लेनी है। तो ये देखिए, मैंने 24 चोटी बनाई है। ऊपर का जो बचा हुआ पार्ट है उसकी कटिंग कर लेंगे। एक पुराने पैंट की मैं कटिंग कर रही हूँ। बैग का साइज आप अपने मन से ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं छोटा साइज ही बना रही हूँ हैंड पर्स का। साइड से भी कटिंग कर लेंगे। 2 पीस मैंने ले लिए हैं। ऊपर से करीब 1 इंच छोड़ते हुए हमें चोटी को रखना है और इसके ऊपर सिलाई करनी है। सिलाई बहुत आसानी से हो जाती है। मैं 16 नंबर की सुई का यूज कर रही हूँ। आप चाहे तो यहाँ पर 18 नंबर की सुई का भी यूज कर सकते हैं, वो थोड़ी ज़्यादा मोटी होती है। अब बराबर दूरी पे सभी चोटियों को रखते जाएंगे और इसके ऊपर हमें सिलाई कर लेनी है। इसी तरह से बैग के दोनों पार्ट्स को बनाकर तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, एक पार्ट तैयार हो गया है। उसकी लंबाई 11 इंच है। मैंने नीचे से 2 इंच लिया है। अब 2 चोटी हम हैंडल के लिए इस तरह से रखेंगे और सिलाई करेंगे। तो दोनों साइड मैंने हैंडल लगा लिए हैं। अब लाइनिंग के लिए किसी भी तरह का कोई भी कपड़ा ले लीजिए। बैग के साइज का ही हमें कपड़ा लेना है। एक में मैं पॉकेट लगाऊंगी। तो पॉकेट लगाने के लिए कपड़े को मैंने चारों साइड से अंदर की तरफ से सिलाई कर लिया है। अब 3 साइड से स्टिच करके पॉकेट बना लेंगे। तो ये देखिए, पॉकेट बन गया है। मैंने 10 इंच की लगभग जिप ली है, 9.5 इंच की जिप को कपड़े के ऊपर रखेंगे। कपड़े का सीधा भाग और जिप का सीधा भाग आमने सामने रहेगा और उसके ऊपर से हम लाइनिंग वाला कपड़ा रखकर सिलाई करेंगे। सिलाई करने के बाद जिप बीच में आ जाएगी। अब जिप के दूसरे पार्ट के ऊपर बैक का दूसरा पार्ट रखेंगे और नीचे लाइनिंग वाला कपड़ा रखेंगे। और सिलाई कर लेंगे। देखिए, सिलाई करने के बाद नीचे लाइनिंग आ गया है, बीच में जिप आ गई है और ऊपर मेन फैब्रिक है। अब जिप के किनारे किनारे सिलाई कर लीजिए। प्रेस स्टिच कर लेंगे किनारे किनारे। जिप में मैंने रनर डाल लिया है। अब मेन फैब्रिक को एक साथ रखेंगे और जो लाइनिंग वाला कपड़ा है उसे पीछे की तरफ रखेंगे। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई कर लेंगे और दूसरे साइड भी यहाँ से लेकर यहाँ तक सिलाई करेंगे। दोनों किनारों की सिलाई हो गई है। अब बॉटम की सिलाई कर लेंगे। लाइनिंग वाली साइड हमें थोड़ी सी खुली रखनी है। दोनों साइड को पूरा नहीं सिलना है, लाइनिंग वाली साइड थोड़ी सी खुली रखेंगे।
देखिए हमने यहाँ से खुला रखा है। अब बैक का हम बेस बनाएंगे, 1.5 इंच का बेस बनाना है हमें। तो यहाँ पर इस तरह से पहले मार्किंग कर लीजिए और इस तरह से कॉर्नर को पकड़ना है कि जो सिलाई है वो बीच में आ जाए, दोनों साइड की सिलाई को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई कर लेंगे तो कि बैक का बेस बन जाएगा। चारों कॉर्नर पे इसी तरह से हमें बेस बना लेना है। ये देखिए सिलाई करने के बाद बैक का बेस बन गया है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसकी कटिंग कर लीजिए और लाइनिंग की जो खुली हुई जगह है उसमें से बैक को हम सीधा कर लेंगे। अब जो खुली हुई जगह है उसकी हम सिलाई कर लेंगे, लाइनिंग को अंदर डाल लेंगे और ये हमारा बैक बनकर तैयार है। देखिए कितना प्यारा सा बैग बन गया है, बिल्कुल नए डिज़ाइन का बैग है और बिल्कुल बेकार कपड़ों से ये बना हुआ है। अंदर एक पॉकेट भी है, आप चाहे तो इसे बड़े साइज का बना सकते हैं। तो जितना बड़ा बैग का साइज बनाएंगे उतनी बड़ी लंबी लंबी आपको चोटियाँ बनानी है। तो देखिए बैग बनकर तैयार है। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।